So in this particular question, you have given a EMF of 2 volt, internal resistance of 0.1 ohm. Okay. So if we draw a circuit diagram for this situation, this is the 2 volt and this is 0.1 ohm. It's connected to a 3.9 ohm external resistor. Okay. It means this cell is connected with a 3.9 ohm external resistor. This is 3.9 ohm. What will be the potential difference across the cell? सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है. तो सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग यहां पर क्या है, इट मींस वी हैव टू फाइंड टर्मिनल वोल्टेज. ओके, ये इसका मीनिंग है कि जब ये सेल इस रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड है तब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है. ओके, दैट इज द मीनिंग. और उस वोल्टेज को ही हम क्या बोलते हैं, that is terminal voltage. Okay, so in this situation ये तो एक ही है, ये internal resistor है इसका. Okay, ये दोनों जो resistor और cell है ये एक ही चीज है, बस ये internal resistor है इस cell का. तो let us suppose that the I current is flowing through it. तो main हमें इसमें words जो wording है उसको signify करना है कि potential difference across cell is terminal voltage. तो यहां हम लिखेंगे हेयर इन दिस केस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल इज टर्मिनल वोल्टेज. अगर ये समझ में आ गया तो हम इसको इजीली कह सकते हैं गिवन बाय टर्मिनल वोल्टेज की मैंने एक डायरेक्ट इक्वेशन बताई थी. ओके, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, और फोर इक्वेशंस मैंने कल साइड में लिखी थी, उन फोर इक्वेशंस को याद रखना. तो जो इक्वेशन हम यहां अप्लाई कर सकते हैं दैट इज V इक्वल्स टू E माइनस IR. ये इक्वेशन हम डायरेक्ट यूज ले सकते हैं. यहां पर आपको I फाइंड करना है पहले. तो I कैसे फाइंड करोगे सर्किट में, देखो ये तीनों वैल्यूज नोन है, केवल एक अननोन है. तो ओम्स लॉ लगा के आई कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, और आई की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल्स टू फ्रॉम दिस सर्किट इट इज टोटल वोल्टेज ई, या एक बार स्टर्म में लिखो तो ई अपॉन आर प्लस आर लिख सकता हूं. इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या है, 3.9 प्लस 0.1 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और टोटल वोल्टेज क्या है 2 वोल्ट. तो इट विल बी, ये भी इक्वेशन कल मैंने बताई थी याद रखना, E is equals to I R plus capital R. उसी से हमने I लिखा है, from the same equation. So this will be what, 2 upon 3.9 plus 0.1 and it will be 2 upon 4 and it is 0.5 ampere. ये आएगा 2 upon 4 is 1 upon 2 and 1 upon 2 is 0.5 ampere. So if this is 0.5 ampere, एक अब देखो इसमें एक और तरीका है, शॉर्टकट तरीका और बताता हूं. या तो आप ये फॉर्मूला यूज लो या फिर डायरेक्ट आप V equals to IR भी यूज ले सकते हो, दोनों से रिजल्ट एक ही मिलेगा. ओके, ऑल्सो उस फॉर्मूले से देखो अगर करूं तो जरूरी नहीं है इसी से करें, टर्मिनल वोल्टेज है ये भी V equals to IR, I की वैल्यू है यहां पर 0.5 और R है 3.9. ओके, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा दैट रिजल्ट इज 1.95 वोल्ट. ओके, एंड सेम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस इक्वेशन एज वेल, इससे भी हम फाइंड कर सकते हैं. ऑल्टरनेटिव अगर इसका लिखूं मैं, आपको जो याद आए उससे आप कर सकते हो, दोनों वैलिड है. इट इज 2 माइनस 0.5 इंटू 0.1, ये भी कर सकते हैं. देखो 0.5 इंटू 0.1 इज 0.05, तो 2 माइनस 0.05 एंड इट विल बी 1.95 वोल्ट. सो द सेम इक्वेशन, सो इन न्यूमेरिक वैल्यू वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस इक्वेशन एज वेल. तो बोथ द इक्वेशंस कैन बी यूज्ड अगर आपको आई और कैपिटल आर की वैल्यू नोन है तो. कैपिटल आर गिवन था इसलिए मैंने इसको इस इक्वेशन से सॉल्व कर लिया.
ओके सो नो डाउट इन दिस वन. ओके नाउ नेक्स्ट वन. रिंकू का आंसर करेक्ट है जो उसने लिखा है टेक्स्ट में. सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डील, ये जो कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसपे मोस्टली हमें न्यूमेरिकल्स कम मिलते हैं, उसपे बेस्ड 1-2 मार्क के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, ग्राफ से रिलेटेड या डेफिनेशन से रिलेटेड या जो इक्वेशंस थी उनसे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आपको 2 मार्क्स में दे सकते हैं या मे बी इन द 3 मार्क क्वेश्चन. ओके सिमिलरली हम अब नेक्स्ट जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर. कुछ टॉपिक ये थे, एक तो मैंने करंट मैकेनिज्म वाला टॉपिक बताया इंपॉर्टेंट है, सेकंड मैंने कल जो रिलेशंस बताया ईवीआर के अंदर और वेरियस कर्व्स वो इंपॉर्टेंट है, थर्ड हम जो कर रहे हैं केवीएल और केसीएल, किरचॉफ्स रूल्स करेंगे हम अब नेक्स्ट टॉपिक में, तो ये किरचॉफ्स रूल्स दोनों इंपॉर्टेंट है, फिर सेल्स कॉम्बिनेशन फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज एक ही है दोनों, थोड़ा सा वेरिएशन आता है दोनों में, तो दैट इज फिफ्थ टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक इज पोटेंशियोमीटर. ओके तो दीज आर द 6 टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर एंड विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और ये अगर 6 टॉपिक्स आप कर लेते हो तो आपके 7-8 मार्क्स जो मैंने इस चैप्टर का वेटेज बताया था वो आराम से आपको मिल सकता है. ओके तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं किरचॉफ्स लॉज. देयर आर 2 किरचॉफ्स लॉज. द फर्स्ट वन डिपेंड ऑन द चार्ज कंजर्वेशन and second depends on the energy conservation. okay so the charge conservation pe jo law depend karta hai that is named Kirchhoff's current law or Kirchhoff's first law. jaise Kepler's law humne gravitation se related study kiye the to un Kepler's laws mein humne bataya tha ki usko first second third law bhi kehte hain, law of orbit, law of area, law of time period bhi bolte, both names are valid. So here also both the names are valid, that Kirchhoff's first law or the Kirchhoff's current law. Okay, but in laws पर जाने से पहले ये जो दोनों laws हैं KCL और KVL, इनको short में हम बोलते हैं, तो KCL charge conservation को बताता है और किसी circuit के node पर applicable होता है. Okay, and the KVL for energy conservation and it is applied in the loop of a circuit. So first we define what is the node and what is the loop of an electric circuit. Electric circuit मैंने पहले define कर दिया था कि अगर हम electric components को join करते हुए closed path construct करते हैं, design करते हैं, then that closed path in which some current can flow is called electric circuit. ओके एक ऐसा क्लोज पाथ जिसमें करंट फ्लो हो सकती है एंड इट कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. अब कई बार इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हमें मान लो कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गिवन है, उसमें कुछ करंट्स हमारे लिए अननोन है या करंट्स नोन है, रेजिस्टेंसेस जो लगाए हैं वो अननोन है, तो उन करंट्स को रेजिस्टेंसेस को फाइंड करने के लिए किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने एक बहुत ही सिंपल 2 लॉज दिए हैं, उन लॉज को अप्लाई करके हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट से करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके तो दीज लॉज आर यूज टू कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर और द रेजिस्टर वैल्यू इटसेल्फ, अगर करंट हमें नोन है विद अ सिंपल मेथड. और कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, यहाँ तो हम वैसे बहुत इजी सर्किट्स लेने वाले हैं जिसमें 2 लूप या 3 लूप्स हो, ओके तो इन दिस सिलेबस ऑफ द 12th वी ओनली कंसिडर ओनली द सिंपल लूप्स.
ओके सपोज हैविंग सिंपल सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट वी कैन से हैविंग द टू लूप्स और थ्री लूप्स और फोर लूप्स मैक्सिमम, बट ऐसे भी मैंने बताए थे बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं जिनमें मोर देन 50 लूप्स हो, मोर देन 100 लूप्स हो, तो उन लूप्स में ये हम ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर हमारी ब्रांच है जिसमें हम डिवाइसेस को स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, तो वहां हमें इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स मिलते हैं और उन सर्किट्स में सिंपलीफाई करके हम बहुत सारी करंट्स जो किसी पर्टिकुलर ब्रांच में फ्लो हो रही है उस करंट की वैल्यू को इन लॉस की हेल्प से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो दे आर वेरी इजी मेथड, कुछ सिंपल से रूल्स हैं इन लॉस को अप्लाई करने के, उन रूल्स को अगर हम फॉलो करें देन वी कैन फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन रेजिस्टर और गिवन कंपोनेंट ऑफ द सर्किट। ओके वो कंपोनेंट सेल भी हो सकता है। तो फर्स्ट वी डिफाइन द नोड एंड द लूप ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट इज द नोड? नोड एक ऐसा पॉइंट होता है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का जहां टू और मोर देन टू ब्रांचेस मीट करती, ओके या एक दूसरे से कोइंसाइड होती, तो उस पॉइंट को हम नोड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से दिस इज वन ब्रांच ऑफ द सर्किट, ये सर्किट की एक ब्रांच है, ओके इस ब्रांच का मतलब जहां कंपोनेंट सीरीज में कनेक्टेड हो उसको हम ब्रांच कह सकते हैं, क्लियर। एक ब्रांच हम ले लेते हैं इस तरह से, दिस वन इज सपोज सेकंड ब्रांच इन विच ऑल्सो देर आर टू कंपोनेंट्स कनेक्टेड एंड दीज टू ब्रांचेस आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर ये दोनों ब्रांचेस क्या हो रही है, मीट कर रही। अब जरूरी नहीं है कि दो ही ब्रांचेस हो, इट मे हैव मोर देन टू ब्रांचेस, एक हो, ये भी हो सकता है कि वन रेजिस्टर इज कनेक्टेड दिस साइड, तो दिस इज हैविंग थ्री थर्ड ब्रांच, ये तीसरी ब्रांच आ गई, ये सेकेंड और ये फर्स्ट, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड नोड ऑफ द सर्किट where two or more than two branches are connected, okay, or joined or meet there, okay. Similarly, what is the loop? Loop is basically, अगर suppose करूँ यहाँ भी मैं एक cell और resistor connect कर देता हूँ in this way, और यहाँ भी मैं इस तरह से इसको connect कर दूँ like this, ठीक है, and this is also connected like this. तो in this situation इस पर्टिकुलर क्लोज पाथ को हम लूप कहेंगे इन दिस सर्किट, कि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट थ्रू अ पर्टिकुलर पाथ और सर्टेन पाथ, एंड देन दिस क्लोज पाथ ऑफ द सर्किट इज कॉल्ड द लूप। इस सर्किट का जो ये क्लोज पाथ है इसको हम लूप कहेंगे। सिमिलरली दिस वन इज ऑल्सो अ लूप, ये भी एक लूप है जहां हम जहां से शुरू हो रहे हैं वहीं पर वापिस पहुंच रहे हैं, इसको भी हम लूप कहेंगे, दिस वन इज ऑल्सो लूप, इसको भी हम लूप कहेंगे, दिस वन इज ऑल्सो लूप एंड दिस वन इज ऑल्सो अ लूप, ये वाला भी एक लूप है। तो देयर आर सो मेनी लूप्स इन दिस गिवन सर्किट, तो हमें किसी एक पर्टिकुलर लूप को सेलेक्ट करना होता है और उस लूप में हम केवीएल अप्लाई करते हैं। नोड पे तो केसीएल अप्लाई करेंगे और लूप में हम केवीएल अप्लाई करेंगे, क्लियर। सो किरचॉफ्स लॉस की हम बात करें तो सबसे पहले लूप एंड मैश को हम डिफाइन करते हैं, या दीज लॉस आर यूज्ड टू सिंप्लीफाई एन इलेक्ट्रिक सर्किट An electric circuit and to find current, resistances, etc. in that circuit. Okay, CKT में circuit का short form लिखता हूं. Actual इसकी जो स्पेलिंग है वो ये है CIRCUIT, बट उसको शॉर्ट में हम CKT से लिखेंगे। तो एक सिंप्लीफाई करना सर्किट को और उसमें करंट रेजिस्टेंसेस जो अननोन है उनकी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए ये रूल्स जो है वो यूज आते हैं, लॉज जो है वो यूज आते हैं, ओके। देन नोड, एक डेफिनेशन है,
नोड ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट हम इसको कह सकते हैं, नोड ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। सो नोड इज व्हाट, अ पॉइंट एट विच टू और मोर देन टू ब्रांचेस आर join together is called node। more than one nodes एक circuit में हो सकते हैं, okay, there may be one more than one node, जैसे this point is node, this one is also node, एक इधर component connected है, एक इधर connected है और तीसरा इधर connected है, okay, this one is also node, so there may be large number of nodes in a electric circuit, okay, in an electric circuit, but remember ये node जो हम 11th में node की बात की थी उससे different है। वहां node क्या था, एक ऐसा point waves के regarding standing waves की बात हम वहां कर रहे थे कि एक ऐसा point जहां amplitude हमेशा zero रहता है, उस point को हम node कहते हैं। So that is having different meaning and this node is having different meaning. Okay, here the node means where the two or more than two branches are joined together or connected together. Clear? The next one definition is loop. अच्छा, इस node को हम junction भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना. It is also called junction. ठीक है, जंक्शन क्या होता है, जो ज्वाइन करता है दो अलग अलग ब्रांचेस को या दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले पॉइंट्स को हम जंक्शन बोलते हैं, तो इट इज आल्सो कॉल्ड जंक्शन। द नेक्स्ट वन इज द, नो डाउन रफ कर रहा हूं मैं इसे, अच्छा इस सर्किट को हम बना के इसका एग्जांपल दे सकते हैं, अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहते तो इजी सर्किट भी यूज ले सकते हो, इसको रहने दो, हमको इजी बनाया था, अगर बना दिया है तो गलत नहीं है, ओके, इतना कॉम्प्लिकेटेड जरूरत नहीं है इसके लिए। दिस पॉइंट इज नोड, ओके, इन दिस सर्किट पॉइंट एन इज कॉल्ड नोड। तो ये डेफिनेशन के साथ में ये एक डायग्राम बना लेना, दिस इज द फर्स्ट ब्रांच and this one is the second branch, okay? Any doubt you can ask in between the class. And welcome to Ankita, ab continue rehna, aur all the students continue raho hamesha, kabhi bhi koi bahut zyada emergency ho to aap leave le sakte ho ya join nahi karo, घर पे बैठे बैठे ही तो देख रहा है, तो इसमें अपने को कहां लीव लेने की या ज्वाइन नहीं करने की जरूरत है, ओके, तो टेक केयर ऑफ दिस थिंग। मैं अब डेली अटेंडेंस भी लूंगा, ओके, आई विल टेक डेली अटेंडेंस, जो भी यहां पे हो रहा है वो मैं स्क्रीनशॉट लेके उसको पेपर पे नोट भी करूंगा, तो अगर ज्यादा एब्सेंट हो रहे हो वीक में तो मैं फिर पेरेंट्स को इन्फॉर्म करूंगा, ओके, और एक शीट्स का भी मैंने बोल रखा है, शीट्स के सॉल्यूशन अभी भी सभी स्टूडेंट्स के नहीं आ रहे हैं, थर्ड चैप्टर से एटलीस्ट आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि कई मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने, कनक ने और एक अंकिता ने, एक दो दिन ही जो आज ही ज्वाइन किया अंकिता ने, कनक ने दो दिन पहले ज्वाइन किया था, तो इनके अलावा बाकी सारे स्टूडेंट्स मुझे शीट के सॉल्यूशन सेंड कर सकते हैं और करने हैं आपको, ओके, ऑन सैटरडे आई विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द शीट्स, जो फर्स्ट और सेकेंड शीट्स मैंने दी है उन दोनों के सॉल्यूशन में आपको सैटरडे को डिस्कस करूंगा, जैसे संडे हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, इस बार सैटरडे को अगर नहीं होंगे पूरा तो हम संडे को उसको एक्सटेंड कर देंगे, क्लियर, और थर्ड शीट जो है वो मैं आजकल में एक दो और टॉपिक हो जाए उसके बाद में थर्ड शीट भी तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, ओके, तो इन शीट्स को साथ साथ में सॉल्व करते रहो। सो नाउ नेक्स्ट वन इज द लूप,
द लूप इज अ क्लोज पाथ अराउंड अ इलेक्ट्रिक सर्किट, अराउंड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अराउंड जो एक क्लोज पाथ होता है या क्लोज लूप ही कह सकते हैं इसको, लूप का मतलब ही क्लोज कर्व को हम लूप बोलते हैं एक्चुअल में। तो क्लोज पाथ अराउंड एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड द लूप, और लूप को हम मैश भी बोलते हैं, MESH। तो मैश और लूप हैविंग द सेम मीनिंग। तो व्हाट इज द लूप? द क्लोज्ड पाथ अराउंड एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड लूप। ओके, जैसे अगर हम एग्जांपल दें इसका, दिस वन इज द लूप वन, दिस वन इज द लूप टू, ओके, एंड द होल वन इज द लूप थ्री। देर आर थ्री लूप्स इन द सर्किट। द फर्स्ट वन, देखो यहां से स्टार्ट हुए, घूम के वापस यहां आ गए, ये फर्स्ट लूप बना। यहां से स्टार्ट हुए, वापस घूम के यहीं पर आ गए, सेकंड लूप बना। और थर्ड लूप क्या होगा? यहां से स्टार्ट होके इस पाथ के अलोंग चलना है, तो दिस वन इज ऑल्सो द लूप। तो देयर आर थ्री लूप्स इन द गिवन सर्किट, जिसमें टोटल फाइव कंपोनेंट्स है, थ्री रेजिस्टर्स हैं और दो यहां पर सेल्स हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड द लूप, ऑल्सो कॉल्ड मैश। इन गिवन सर्किट देयर आर थ्री लूप्स, वन टू एंड थ्री। ओके, तो ये एक एग्जांपल दे दो यहां पर, आर वन आर टू आर थ्री लिख सकते हो, वी वन वी टू इसकी वैल्यूज लिख सकते हो। ओके, नोट डाउन। So the next one is Kirchhoff's current law. Or we can say it is KCL. The first one law, okay, there are two laws given by the Kirchhoff. First law is the Kirchhoff's current law, or it is also named KCL. So according to this law, the summation of the currents, okay, all the currents ka jo sum hai, wo zero ke equal hoga for all the nodes of an electric circuit. Ki ek electric circuit mein jitne bhi nodes hain, उन सभी नोड पर सिग्मा आई इक्वल्स टू जीरो होता है, सिग्मा आई इक्वल्स टू जीरो होता है। और ये सिग्मा आई वहां जितनी भी करंट्स आ रही हैं या जा रही हैं उन सभी का सम है। लेकिन जब हम इस समेशन को करते हैं तो नोड के टूवर्ड्स आने वाली करंट्स को हम पॉजिटिव लेते हैं, एक ही रूल है इस लॉ को अप्लाई करने के लिए, और नोड से अवे फ्रॉम वाली करंट्स को हम नेगेटिव लेते हैं। ओके, तो इस रूल को अप्लाई करने का या इस लॉ को अप्लाई करने का एक रूल है कि हम किस करंट को पॉजिटिव लेंगे और किस करंट को नेगेटिव लेंगे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द समेशन ऑफ ऑल करंट्स
एट एनी नोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑलवेज जीरो. ओके, दैट इज सिग्मा आई इक्वल्स टू जीरो फॉर नोड्स. सिग्मा आई इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल द नोड्स. क्लियर? सो दिस इज द सिंपल लॉ विच इज सिग्मा आई इक्वल्स टू जीरो. ये सिग्निफाई क्या करता है, देखो इसके अकॉर्डिंग जितना चार्ज किसी नोड पर सेकेंड आ रहा है उतना ही चार्ज उस नोड से पर सेकेंड चला जाएगा. यानी नोड पर चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता, नोड पर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता, क्रिएट नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता. अमाउंट ऑफ चार्ज रीचिंग टू द नोड पर सेकेंड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज लीविंग द नोड पर सेकेंड. ओके, एंड विच गिव्स अस द चार्ज कंजर्वेशन प्रॉपर्टी. सो दिस लॉ इज अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ओके, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. पहले उससे पहले रूल लिख लेते हैं इसका. जो रूल है वो ये है, द इनकमिंग करंट्स या करंट्स टू करंट टूवर्ड्स द नोड आर टेकन एज पॉजिटिव एंड अवे फ्रॉम नोड आर टेकन एज नेगेटिव. इस रूल को हम रिवर्स में भी लिख सकते हैं. रिवर्स का मीनिंग कि जो करंट नोड के टूवर्ड्स है उसको नेगेटिव ले सकते हैं, जो अवे फ्रॉम है उसको पॉजिटिव ले सकते हैं. कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, केवल वो जो इक्वेशन आएगी उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो, स्टेटमेंट ये इन्वर्ट हो जाएगा या रिवर्स हो जाएगा. लेकिन हमें एक स्टेटमेंट याद रखना होता है. ओके, कि हम एक स्टेटमेंट यहाँ पर ये याद रख सकते हैं कि करंट जो नोड के टूवर्ड्स आ रही है वो पॉजिटिव है और जो अवे फ्रॉम द नोड आ रही है वो नेगेटिव है. ओके, सो नो डाउन दिस वन. इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. सपोज दिस इज द नोड, दिस करंट इज आई वन, दिस वन इज आई टू, this one is I3 and this one is I4. okay, the four currents are there, I1 I2 I3 and I4. Ringu left the meeting, Radhika left the meeting. क्या हुआ इन दोनों के, network problem? ओके, I1, I2, I3 एंड I4. सो इन दिस सिचुएशन I1 एंड I2 आर देखो टूवर्ड्स द नोड है. दिस इज द नोड. ओके, इस पॉइंट को हम यहां पर N पॉइंट लिख सकते हैं. तो अप्लाइंग KCL एट नोड N, वी कैन राइट देखो I1 कैसा होगा, टूवर्ड्स द नोड है, पॉजिटिव लेंगे, I1 विल बी पॉजिटिव. I2 अगेन टूवर्ड्स द नोड है, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव. I3 अवे फ्रॉम द नोड है, इट विल बी टेकन एज नेगेटिव. एंड I4 अवे फ्रॉम द नोड है, सो इट इज ऑल्सो टेकन एज नेगेटिव एंड इक्वल्स टू जीरो. एंड दिस इज बेसिकली सिग्मा आई. जिस सिग्मा आई की हम बात कर रहे हैं वो सिग्मा आई ये है, जिसको हम इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ में मेंशन कर रहे हैं. क्लियर? तो यहाँ पर साइंस का भी इंपॉर्टेंट रोल है जब हम KCL को अप्लाई करते हैं. जैसे टोटल चार्ज मैंने बताया था एल्जेब्रिक सम होता है, बट वहां भी हम चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये हम ध्यान रखते हैं.
वैसे ही यहाँ भी करंट जो है वो टूवर्ड्स द नोड है या अवे फ्रॉम द नोड है, ये हमें ध्यान रखना है। सो नोट डाउन टिल दिस वन। अच्छा एक और चीज, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो आई वन प्लस आई टू इक्वल्स टू आई थ्री प्लस आई फोर लिख सकते हैं। आई वन प्लस आई टू इक्वल्स टू आई थ्री प्लस आई फोर, और इसको एक पॉइंट में ये कहा जा सकता है, दिस इंप्लाइज आई टूवर्ड्स द नोड इज इक्वल्स टू आई अवे फ्रॉम द नोड। क्लियर? जो टोटल करंट, यहां भी मैं समेशन लगा सकता हूं, जो टोटल करंट नोड की तरफ आ रही है उसका सम, और जो टोटल करंट नोड से अवे फ्रॉम जा रही है उसका सम इक्वल होता है। ओके? यानी इनकमिंग और आउटगोइंग भी कहा जा सकता है इसको, कि इनकमिंग करंट्स का सम और आउटगोइंग करंट्स का सम सेम है, और यही चार्ज कंजर्वेशन को बता रहा है कि अमाउंट ऑफ चार्ज रीचिंग द नोड पर सेकेंड इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ चार्ज लीविंग द नोड पर सेकेंड, एंड दैट इज द चार्ज कंजर्वेशन। तो एक नोट हम यहां पर लगाएंगे इसी लॉ के अकॉर्डिंग, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेके एक इनको नोट करना जरूरी है, ध्यान रखना। अपने क्लास नोट जो मैं बता रहा हूँ उन सबको अपने सिस्टमेटिक कॉपी में लिखोगे, आप साथ साथ लिखते हो अच्छी बात है, नहीं तो अगर यहाँ अभी समझ रहे हो स्क्रीनशॉट लेते रहो साथ में, और फिर बाद में उसको सीक्वेंस में लेके लिख लो कॉपी में। ओके? ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे एग्जाम्स के लिए, हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए। मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था तुम्हें याद होगा, जिसमें हाउ टू ऑप्टिमाइज आवर नॉलेज, उसमें मैंने बताया था कि लिखना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अपनी खुद की हैंडराइटिंग में हमें लिखा हुआ लॉन्ग टाइम तक याद रहता है अगर हम उसको बार बार रिवाइज करते हैं तो। ओके? तो इसलिए अपनी हैंड रिटन में नोट्स होना कंपल्सरी है। तो इनको साथ साथ में अगर नहीं लिखते हो, मैं फोर्स नहीं करता क्योंकि मैं टाइम भी नहीं दे रहा हूं तुम्हें नोट करने के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझने में यहां ध्यान दो, स्क्रीनशॉट लो, कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो साथ में, और फिर बाद में उसको सिस्टमेटिकली अपने फेयर नोटबुक में नोट करो। ओके? वो नोट्स भी मैं थ्रू द व्हाट्सएप आपसे मांगूंगा, तो उनको भी सिस्टमेटिकली अरेंज कर लेना। ओके? इस थर्ड चैप्टर से और सेकेंड चैप्टर के भी। सो नोट डाउन टिल दिस वन। According to this law, this law tells us that the charge, total charge reaching to node per second is equals to the charge leaving the node per second, which shows property of charge conservation. Okay? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जहां आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन और नन नो आंसर है ना, या नन ऑफ अबव, ऐसा आपको कोई एमसीक्यू के चार ऑप्शन मिल सकते हैं, जिसमें चार्ज कंजर्वेशन किसके लिए लगेगा, केसीएल के लिए लगेगा, ये ध्यान रखना। ओके? सो नेक्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट को स्टडी करेंगे। द सेकेंड लॉ, एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लॉ तो बहुत इजी था कि कुछ नहीं करना, आने वाली करंट को जाने वाली करंट के इक्वल कर दो जो भी टोटल है, लेकिन अब जो हम लॉ कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसके भी कुछ रूल्स हैं, थ्री रूल्स हैं इसको अप्लाई करने के, और ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहलाता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग सिग्मा वी की वैल्यू जीरो होती है, वहां था सिग्मा आई इक्वल्स टू जीरो, इसलिए उसको करंट लॉ कहा था।
ये है सिग्मा वी इक्वल्स टू जीरो, जिसको हम वोल्टेज लॉ कह रहे हैं। और ये वोल्टेज लॉ जो हमें मिलेगा ये एक लूप के अंदर हमें अप्लाई करना पड़ेगा, यानी व्हेनेवर वी मूव अराउंड द लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट तो उसके अलग अलग जितने भी कंपोनेंट्स उस लूप में कनेक्टेड है उन सभी कंपोनेंट्स पर वोल्टेजेस का सम इक्वल्स टू जीरो होता है। ठीक है, उन सभी लूप्स में उन सभी कंपोनेंट पर वोल्टेजेस का सम जो है वो जीरो होता है। लेकिन ये वोल्टेजेस हम फाइंड कैसे करें, किस वोल्टेज को पॉजिटिव कहें किस वोल्टेज को नेगेटिव कहें, तो वो हम रूल्स से डिसाइड करेंगे कि कब हम रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे, कब सेल के अक्रॉस वोल्टेज पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे। हमें इस चैप्टर से रिलेटेड केवल दो ही कंपोनेंट मिलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में, और वो है केवल सेल और रेजिस्टेंस। ओके, रिमेनिंग जो कंपोनेंट्स है जैसे कैपेसिटर, इंडक्टर या डायोड वगैरह, वो सारे हमें अभी अपने सिलेबस चैप्टर से रिलेटेड नहीं मिलते, तो वहां हम केवीएल केसीएल को अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, उसके लिए कुछ अलग रूल्स हैं, जहां पर डायोड लगा हो, ट्रांजिस्टर लगा हो या कोई अदर कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सारे कंपोनेंट्स कनेक्टेड हो। कैपेसिटर में क्यों नहीं कर सकते, हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है कि कैपेसिटर में डीसी करंट फ्लो ही नहीं होती, डायरेक्ट करंट फ्लो नहीं होती, क्योंकि उसमें बीच में इंसुलेटर होता है और इंसुलेटर डीसी को ब्लॉक कर देता है या आगे नहीं बढ़ने देता, बिल्कुल भी वो ऑफ स्विच की तरह वर्क करता है। तो इसीलिए हम कैपेसिटर्स में करंट पास नहीं होती और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम कैपेसिटर की कहीं भी बात नहीं करते। लेकिन हो सकता है कहीं कहीं न्यूमेरिकल में, जैसे मैंने शीट में भी शायद एक क्वेश्चन दिया था, एक कैपेसिटर लगा था, तो उस ब्रांच को वहां से हटा सकते हो, उसका कोई रोल नहीं है उस सर्किट के लिए, क्योंकि करंट उस ब्रांच से फ्लो होगी ही नहीं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। डायरेक्ट लॉज बोर्ड नहीं पूछता, लॉज के जो रूल्स हैं वो भी नहीं पूछता, लेकिन न्यूमेरिकल कई बार आए हुए हैं और इसी पर बेस्ड हम आगे सेल कॉम्बिनेशन करेंगे, इन्हीं लॉज पर बेस्ड हम व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज डिस्कस करेंगे। ओके, सो उन टॉपिक्स के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स के लिए भी ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको ध्यान से समझना, अच्छे से धीरे धीरे आराम से। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द समेशन ऑफ या सम ऑफ वोल्टेजेस अक्रॉस कंपोनेंट्स ऑफ अ लूप इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑलवेज जीरो। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो सम है वोल्टेजेस का अक्रॉस कंपोनेंट्स ऑफ अ लूप, जो लूप में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, सेल्स लगे हुए हैं, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑलवेज जीरो। दैट इज सिग्मा वी इक्वल्स टू जीरो, सिग्मा वी इक्वल्स टू जीरो। पर ध्यान रखना यहाँ वी वोल्टेज है, पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है ये। ओके, वी जो है यहां पर वोल्टेज है, या इसको पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, इसलिए कई बुक्स में डेल्टा वी लिखा जाता है, सिग्मा डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो। तो डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल को बताता है, वहां डेल्टा वी में भी पोटेंशियल होगा तो डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। बट मैं यहां डायरेक्टली ये कह रहा हूं कि वी जो है वो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि वी को हम पोटेंशियल डिफरेंस से भी डिनोट करते हैं। ओके, अब यहां इसको अप्लाई करने के भी कुछ रूल्स हैं। देयर आर थ्री रूल्स टू अप्लाई दिस लॉ।
द फर्स्ट रूल इज जो भी हमारे पास लूप है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर, सपोज दिस वन इज द सर्किट, ओके, विच कंसिस्ट ऑफ, चलो दो और रजिस्टर ले लेते हैं, फोर रजिस्टर्स एंड थ्री सेल्स, फोर रजिस्टर्स एंड थ्री सेल्स, एंड देर आर टू नोड्स, नोड वन नोड टू, ओके, दिस पॉइंट इज नोड, दिस पॉइंट इज ऑल्सो द नोड, थ्री लूप्स, फर्स्ट लूप, सेकेंड लूप एंड दिस थर्ड लूप, ओके, देर आर थ्री लूप्स, तो इसमें से किसी भी एक लूप के अंदर हम एट ए टाइम एक इक्वेशन बनाएंगे यूजिंग दिस केवीएल। केवीएल करता क्या है, हर लूप में आपको एक इक्वेशन प्रोवाइड करता है, ओके, और वो इक्वेशन सिग्मा वी इक्वल्स टू जीरो से मिलती है, तो हर डिफरेंट लूप के लिए हम डिफरेंट इक्वेशंस बना सकते हैं और उन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके अननोन को फाइंड किया जा सकता है, क्लियर। सो इसको अप्लाई करने के भी कुछ रूल्स हैं, रूल्स टू अप्लाई दिस केवीएल, द फर्स्ट वन रूल, सबसे पहले हम उस लूप में जहां केवीएल लगाना चाहते हैं, वी डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल, कि हम किस डायरेक्शन में उस लूप के अराउंड चलेंगे, वो हमारी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल है, वो क्लॉकवाइज हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल मे बी क्लॉकवाइज एंड मे बी एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग ऑन आवर चॉइस। आप अलग अलग लूप के लिए अलग अलग डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल ले सकते हो। इस डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल को मैं डी ओ टी से डिनोट करूंगा, ठीक है, उसकी शॉर्ट फॉर्म मैं जो यूज लेता हूं दैट इज डी ओ टी, तो डी ओ टी मीन्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल, ओके। सबसे पहला काम हमें ये करना है, तो सेलेक्ट डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल फॉर द लूप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज भी बोला जाता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज एक ही मीनिंग है दोनों का, क्लियर। तो सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, दिस वन इज ई एंड दिस वन इज एफ। तो सपोज द दिस फर्स्ट लूप, फॉर द फर्स्ट लूप हो सकता है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल हमारी ए बी ई एफ ए हो, क्लॉकवाइज ली मैंने, और ये भी हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज ए एफ ई बी ए हो। ये भी जरूरी नहीं है कि आप ए से ही शुरू करो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ई एज वेल, सो यू कैन सेलेक्ट ई बी ए एफ ई, इट विल नॉट अफेक्ट द एक्चुअल इक्वेशन विच वी विल फाइंड यूजिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन सिग्मा वी इक्वल्स टू जीरो। तो जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो इंडिपेंडेंट होती है लूप की डायरेक्शन से और स्टार्टिंग पॉइंट से, ओके, ये हमारे ऊपर है हम कैसे उसको लेते हैं। दूसरा ये, आप एक लूप में एक ही डायरेक्शन रखोगे, सिंगल लूप में सिंगल डायरेक्शन होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि ए बी ई कर दिया और फिर ए एफ ई कर दिया, ये गलत है, ओके, दिस इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स। सिंगल डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल फॉर सिंगल लूप, ओके, देयर शुड नॉट बी टू डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल फॉर अ सिंगल लूप, वन लूप वन डीओटी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं वन लूप वन डीओटी, डीओटी मतलब डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल, नॉट मोर देन वन डीओटी फॉर अ सिंगल लूप। सो नो डाउट टिल दिस वन,
फॉर दिस सर्किट, फॉर गिवन सर्किट DOT में भी A B E F A, A B E F A, मान लो ये हमारा लूप वन है और A F E B A, ठीक है, A F E B A दोनों में से कोई भी हो सकती है फॉर लूप वन. Similarly, for loop 2, we can write. For loop 3, we can write. Okay? The second rule. Important one. Second or third. बहुत important है, ध्यान से समझना. और इन rules के order को भी बदला जा सकता है. But एक order ध्यान रखना, मैं reverse में नहीं बताऊंगा. Confused हो जाओगे. एक order ध्यान रखना. ओके हो सकता है बुक्स में आपको जो मैं बता रहा हूं उससे रिवर्स स्टेटमेंट मिले, वो भी गलत नहीं है, वो भी करेक्ट है. ओके बट आप एक पर्टिकुलर रूल को या एक तरह की जो सीक्वेंस है उसको याद रखो, आप दोनों सीक्वेंस में उलझ जाओगे. इसलिए एक सीक्वेंस जो मैं बता रहा हूं उसको याद रखना. बुक में अगर उल्टा लिखा है तो उसको रीड ही मत कर, उसको जो भी आपको सर्किट मिलता है उसको इन रूल्स को अप्लाई करके सॉल्व करोगे तो भी आंसर वही आएगा जो बुक के रूल से अप्लाई किया गया है या कैलकुलेट किया गया है. ओके सो द सेकेंड रूल इज, अगर हमें सपोज करो कि सेल मिलता है और हमारी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल इधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव हम चल रहे हैं, क्योंकि जब लूप में चलेंगे ना, मान लो कि मैं इस पर्टिकुलर लूप में क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो मुझे दो बार सेल से पास होना पड़ेगा, एक बार इससे एक बार इससे. तो यहां मैं देखो क्या करूंगा, डीओटी क्या होगी, अपवर्ड होगी, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी. और जब वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो हम क्या कहेंगे इस सिचुएशन में, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो वो V है तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस हम प्लस V लेते हैं. सपोज 10 वोल्ट का सेल है तो प्लस 10 यहां पर हम लिखेंगे. तो कब पॉजिटिव होगा सेल के अक्रॉस वोल्टेज, जब जब DOT नेगेटिव टू पॉजिटिव हो. ओके जब DOT नेगेटिव टू पॉजिटिव हो. इसी का रिवर्स ले लेते हैं, जब हम पॉजिटिव टू नेगेटिव डीओटी रखते हैं, दिस इज डीओटी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव हैविंग वोल्टेज वी, देन द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी माइनस वी. यानी जब हम मूव कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो डीओटी क्या होगी, माइनस वी होगी, या सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो नेगेटिव होगा, माइनस वी के इक्वल होगा. जैसे देखो इसी लूप में इस सेल के अक्रॉस जब वोल्टेज लिखोगे ना तो वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि हम ऐसे जा रहे बी टू ई मूव कर रहे, ये डायरेक्शन हमने ले रखी है, तो इट विल बी व्हाट, इट इज नेगेटिव फॉर दिस सेल. अभी मैं इसी का एग्जांपल लेके इक्वेशन बना के बताऊंगा. तीसरा रूल है इसका, ये तो था सेल के लिए. थर्ड रूल है वो है रेजिस्टर के लिए. अच्छा इस सेल में ये बात ध्यान रखना, करंट की डायरेक्शन हमें नहीं देखनी, वी विल नॉट चेक द डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके फॉर द सेल हमें केवल उसके टर्मिनल्स देखने हैं. वैसे तो बाय डिफॉल्ट सेल में पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है करंट, नेगेटिव इनवर्ड होती है, बट हमें उसको ऑब्जर्व ही नहीं करना है, ये पॉइंट ध्यान रखना. सेकेंड, suppose we are having the resistor R and the current flowing. अब देखो resistor के लिए current की direction important है, क्योंकि resistor के plus minus polarity नहीं होती, resistor का कोई plus minus sign नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, current की direction को भी observe करेंगे. तो if I current is flowing through this resistor, ओके एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल इज दिस वन, राइट टू सॉरी लेफ्ट टू राइट इज डीओटी एंड राइट टू लेफ्ट इज आई, यानी करंट सामने से आ रही है तो वोल्टेज पॉजिटिव होगा, तो वोल्टेज
across this resistor will be positive. यानी potential difference जो मैं लिखूंगा वो क्या होगा plus IR. Ohm's law से potential difference को IR लिखते हैं तो it will be plus IR. Similarly इसी का reverse ले लेते हैं. Suppose this is the resistor, current is flowing in the same direction as that of direction of traversal. जिधर हम मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है तो फॉर दिस सिचुएशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टर विल बी क्लियर. तो ये पॉइंट यहां पर रूल्स के फॉर्म में याद रखना. सेल का नेगेटिव से एंटर कर रहे हो वोल्टेज पॉजिटिव, पॉजिटिव से एंटर कर रहे हो वोल्टेज नेगेटिव. रेजिस्टर में करंट सामने से आ रही है तो वोल्टेज पॉजिटिव. हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वोल्टेज नेगेटिव. ठीक है, एक 5 मिनट और लूंगा. मैं इस सर्किट के लिए 2 इक्वेशन बता देता हूं, एक इस लूप में और एक इस लूप में. ओके, तो यहां तक एक बार नोट कर लो, फिर कल हम इसका एक एग्जांपल लेंगे, स्टार्ट करेंगे एग्जांपल से. सपोज दिस इज लूप 1 and this is loop 2. In dono loop mein hum apply karte hain, this is V1, R1, R2, V2, V3, R4, R3. R1, R2, R3, R4, V1, V2, V3. ये नोट करना. करंट की डायरेक्शन सपोज कर लेते हैं, यहां पर ये करंट I1, यहां पर ये करंट I2 और यहां पे ये करंट I3 है. देखो एक करंट इस नोड की तरफ आ रही है, एक करंट इस नोड की तरफ आ रही है I3 भी, I2 फिर डेफिनेटली बाहर जाएगी. ऐसा नहीं हो सकता सारी करंट नोड की टुवर्ड्स ही हो, अवे फ्रॉम नोड हो ही नहीं. दैट इज नॉट पॉसिबल कि चार्ज आ रहा है जा ही नहीं रहा है, नहीं हो सकता ना. उसी को तो चार्ज कंजर्वेशन हमने कहा. Clear? अच्छा एक और चीज यहां पर हम कह सकते हैं कि ये एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है. ठीक है, एक नोट लगा लेना. दिस लॉ गिव्स अस कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी. This law gives us conservation of the total energy. यानी जो electrostatic energy, energy भी कौन सी? Electrostatic energy. जो electrostatic energy है, उसका conservation होता है. क्योंकि sigma V zero है, और sigma V अगर zero है, तो sigma W भी zero होगा. Total amount of work done जो closed path के through करना पड़ा, वो zero होगा. और अगर work done zero है, तो energy भी zero होती है. वर्क डन और एनर्जी जो है वो सेम होते हैं, तो चेंज इन एनर्जी विल बी जीरो. ओके, चेंज इन वर्क डन इज जीरो, सो चेंज इन एनर्जी इज जीरो, सो दैट्स व्हाई दिस लॉ गिव्स अस द कंजर्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. तो एनर्जी कंजर्वेशन को ये लॉ बताता है. ओके, नाउ वी अप्लाई द केवीएल एंड केसीएल फॉर लूप 1 एंड लूप 2. सबसे पहले तो हम लगा देते हैं KCL at node B. B पॉइंट पर हम क्या लगा रहे हैं? KCL. I1 towards the node है, I3 towards the node है, I2 away from the node है. तो इक्वेशन क्या बनेगी? I1 plus I3 equals to I2 बनेगी. This one will be the KCL at this node B. यहां पे लगाओगे तब भी यही इक्वेशन मिलेगी, it will not change. अब ये ध्यान रखना, ये तीनों सीरीज में R4, V1, R1, तो करंट सेम है तीनों में, सीरीज में करंट सेम रहती है. ये तीनों भी सीरीज में, तो R3, V2 और R2 करंट सेम है, that is I3. तो सीरीज में करंट सेम रहती है, ये ध्यान रखना. नाउ केवीएल एट लूप 1. ठीक है,
डायरेक्शन हम क्या ले रहे हैं, हमने क्लॉकवाइज यहां शो कर रखी है, दिस पॉइंट वॉज ए, तो ए बी ई एफ ए, ओके ए बी ई एफ ए, ए टू बी, करंट भी इधर है, हम भी इधर चल रहे हैं, नेगेटिव होगा माइनस आई वन आर वन, माइनस आई वन आर वन, दो इक्वेशन लिखेंगे हम दोनों लूप में, इधर चलो बी टू ई, बी टू ई चल रहे हो तो सेल के नेगेटिव पॉजिटिव से एंटर कर रहे हैं, तो वोल्टेज कैसा होगा नेगेटिव, तो इट विल बी माइनस वी थ्री, माइनस वी थ्री, इसका वोल्टेज नेगेटिव लिया था मैंने, इधर चल रहे हैं करंट, करंट भी इधर ही है, देखो करंट इज इन सेम डायरेक्शन एंड वी आर ऑल्सो मूविंग इन सेम डायरेक्शन, सो इट विल बी माइनस आई वन आर फोर, माइनस आई वन आर फोर, एंड फॉर दिस सेल वी आर एंटरिंग थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल, सो वोल्टेज विल बी, सॉरी नेगेटिव टर्मिनल से, सो वोल्टेज विल बी पॉजिटिव, सो इट विल बी प्लस वी वन इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन हमें मिलेगी, नेगेटिव 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 एंड पॉजिटिव, ओके। सेकेंड लेते हैं हम ये वाला लूप, इस लूप में बात करते हैं केवीएल एट लूप टू, और इसकी डायरेक्शन हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, बी पॉइंट से स्टार्ट कर देता हूं, बी ई डी सी बी, सो बी टू ई पॉजिटिव से एंटर कर रहे हैं, इट विल बी नेगेटिव, सो इट इज माइनस वी थ्री, फॉर दिस केस द करंट इज इन द डायरेक्शन एंड वी आर ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन, सो द रेजिस्टेंस सॉरी वोल्टेज विल बी नेगेटिव, हमारी डायरेक्शन ये है और करंट भी ऐसे ही जा रही है, तो माइनस आई थ्री आर थ्री, चेक करना वापिस, ओके एक बार समझ लो फिर वापिस चेक करना, स्क्रीनशॉट लेके और रिवाइज करना, सेल के नेगेटिव से एंटर कर रहे हैं तो वोल्टेज पॉजिटिव प्लस बी टू, एंड सी टू बी, वी आर मूविंग सी टू बी, करंट इज ऑल्सो सी टू बी, सो इट इज अगेन नेगेटिव, माइनस आई थ्री आर टू इक्वल्स टू जीरो, सो दिस इज द टू इक्वेशन, थ्री इक्वेशन विच वी कैन ऑब्टेन, एक और लिखी जा सकती है बट जरूरत नहीं है यहाँ, वो होगी इस पाथ के थ्रू, इस लूप के थ्रू, ए बी सी डी ई एफ ए, बट जनरली आई वन आई टू आई थ्री अगर अननोन है तो तीन इक्वेशन सफिशियंट है उनको सॉल्व करने के लिए, कल हम इसका एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे, एक सिंपल सा एग्जाम्पल या बोर्ड में जो पूछा हुआ है ऐसे ही दो तीन एग्जाम्पल मैं एक तो करा दूंगा और दो तीन मैं वर्कशीट में प्रोवाइड कर दूंगा, इनको अच्छे से रिवाइज करना, कोई डाउट है मुझे कॉल करके पूछ लेना, ओके सो यहाँ मैं इस लेक्चर को टर्मिनेट करता हूँ, एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग।